हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जर्मनी स्टडी वीज़ा के बारे में। सो जर्मनी स्टडी वीज़ा के बारे में बात करने से पहले हम कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि जर्मनी में क्या क्या यूएसपीज़ हैं। सो चाहे आप यूजी चाहे आप पीजी प्रोग्राम के लिए जाओ, यू विल ऑफर 3 ईयर्स ऑफ बैचलर प्रोग्राम एंड 2 और 1 ईयर ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2 से 3 साल का, तो आप 1 साल वाले एमबीए या ग्लोबल एमबीए या फिर मास्टर्स प्रोग्राम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अगर हम एंट्री के रिक्वायरमेंट्स की बात करें, सो नियर अबाउट 5.5 ओवरऑल आपको आईएलटीएस में चाहिए होगा। पीटी के साथ अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सो यू शुड हैव 54 एंड अबव। अगर हम परसेंटेज रिक्वायरमेंट की बात करें, सो 50% 55% आपका रेंज रहना चाहिए एकेडमिक्स पे। अगर हम ट्यूशन फीस की बात करें, सो नियर अबाउट 9,000 यूरोज़ टू 11,000 यूरोज़ का आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर होती है पर ईयर बेसिस पे। जो 1 साल वाले मास्टर्स प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके आयल्स बैंड भी नियर अबाउट 6.5 होना चाहिए। अगर हम ऑप्शंस की बात करें, प्रोग्राम्स की बात करें, सो वहाँ पे आपको जैसे बीएससी हेल्थ साइंस के प्रोग्राम्स, देन इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स, एमएससी ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, आईबीएम जैसे बहुत अमेजिंग कोर्सेज ऑफर हो जाते हैं। डिज़ाइन के रिगार्डिंग भी कोर्सेज आपको ऑफर हो जाते हैं, लाइक इंटीरियर डिज़ाइनिंग, प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग, एंड अगर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें या फिर कोर सिविल प्रोग्राम्स की बात करें, वो भी आपको अवेलेबल हो जाता है जर्मनी में। डिज़ाइनिंग में आपको पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट एज सच नहीं रहती है। कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 6 मंथ्स ओल्ड पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट रखते हैं। अगर हम डिज़ाइनिंग की कोर मेजर प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करें, सो यू विल हैव फिल्म प्रोडक्शन, डिजिटल मार्केटिंग, बीएफएक्स, फिल्म डिज़ाइन, एवरीथिंग। सो इसके अलावा ब्लॉक्ड अकाउंट की अगर हम बात करें, सो ब्लॉक्ड अकाउंट में आपका होना चाहिए 11,208 यूरोज़। अगर हम बात करें नियर अबाउट फंड्स की, सो यहाँ पे इनिशियल स्टेज पे कोई फंड शो नहीं करना होता, यहाँ पे बस आपको अपना ब्लॉक्ड अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है एंड आपको 1 साल की जो है ट्यूशन फीस डिपॉजिट करने होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जर्मनी। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा हो। आने वाले दिनों में वी विल डिस्कस अबाउट मोर कंट्रीज एज वेल। थैंक यू सो मच।